पहली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए मंगलवार को दुर्ग लोकसभा सीट पर हो रहे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जो जारी है, इस दौरान दुर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल से हमारी संवाददाता ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं विजय बघेल ने क्या कहा। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल, चाहिए उनसे बात करते हैं कि सर देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोग देश के लिए राष्ट्रहित के लिए वोट दे रहे हैं और एक बार फिर से मोदी जी के मजबूत हाथों में ये देश जाए ताकि इस देश को महान बनाने की जो गति है उनके हाथों में, मजबूत हाथों में, उस गति को और ज़्यादा रफ्तार से गति मिले, इस भाव से लोग वोट दे रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे संतुष्टि है इस बार भी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताएंगे। जी सर, तो मोदी की गारंटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो लोगों के जन जन में है, जन जन की भावना है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है होती है, ये मोदी की गारंटी है और लोगों ने देखा भी है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद जिस तरह माननीय विष्णुदेव साय जी ने जिन जिन बातों को लेकर हम यहाँ पे आए थे, वो सब बातें सत्य हो रही है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, ये भावना है लोगों में। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, कथनी और करनी में अंतर है, जो कहती है वो करती नहीं है, ये 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने देखा है। तो क्या लगता है इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा? बिल्कुल होगा। ये थे विजय बघेल जी, जिनसे हमने चर्चा करके जाना कि लोकसभा चुनाव के बारे में वो क्या कहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी से भी चर्चा की और बाकी के मतदाताओं से भी बात करके उनकी राय ली। कैमरा पर्सन सन्नी सिंह के साथ मैं आचल मौर्य, इंडियन न्यूज भिलाई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।